हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो में एक लाल टोपी, ये है जैद हामिद। पाकिस्तान का आतंकवादी एक है, और दूसरा है अब्दुल बासित। इसका भी खोपड़ी दिमाग भी इसका बाल के साथ उड़ चुका है। ये दोनों पाकिस्तान के सबसे कीमती गधे हैं। ये अब्दुल बासित रह चुका है एम्बेसडर इंडिया में भी, लेकिन जब से रिटायर हुआ है ना, तब से इसका दिमाग ख़राब फिर गया है एकदम। और ये तो लाल टोपी वाला, तो इसको तो प्रूफ चाहिए। अभी इंडिया का चंद्रयान जो लैंड किया है ना, इसका इसको प्रूफ चाहिए। इसको सब एनिमेटेड लगता है। तो हमारे साइंटिस्टों को चाहिए कि सोमनाथ जी को, डॉक्टर सोमनाथ को चाहिए कि इसके लिए एक स्पेशल रॉकेट लॉन्च करें, और पेलोड की जगह इसको बैठा दें, और पीछे से रॉकेट दाग के इसको पहुंचा दें वहाँ अपने लैंडर के पास। ये देख ले वहीं रहे फिर, क्योंकि वापस तो आ नहीं सकता। और लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी बड़ा प्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को आप जानते नहीं, वो दिल से इंडिया से दुश्मनी चाहते हैं, इंडिया से दुश्मनी रखते हैं बहुत अंदर से। उनको हिंदू नाम से चिढ़ है। ये लाल टोपी तो गजवाए हिंद के चक्कर में पड़ा रहता है। ये गजवाए हिंद करते करते गजवाए पाकिस्तान करवा देगा। ये तो ये सब इतने अजीब टाइप के, पाकिस्तान कैसा हमारा पड़ोसी है समझ में नहीं आता। ये सरकार काकड़ आके बैठा हुआ, प्रधानमंत्री बन के, तमाम मंत्री बन के, सिर्फ हर चीज़ फ्री, बिजली फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, खाना सब चीज़ फ्री में ले रहे हैं, और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है उनकी। और आर्मी का तो पूछिए ही मत, उसको तो ऐसा ही आदमी चाहिए जो कोई जिम्मेदारी ना ले। अरे जब सारा डिसीजन आर्मी चीफ को ही लेना है तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में, तो इन लोगों को क्यों बैठा के रखा हुआ है? खर्चा हो रहा है वहाँ का टैक्स पेयर्स की मनी का, मतलब ये पाकिस्तान की पब्लिक पता नहीं कैसी है। ये प्रधानमंत्री, वजीर आजम सब मंत्री बन बन के सिर्फ लूट रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक रुल रही है। इन सबों को कोई दया ही नहीं है पाकिस्तान की आम पब्लिक से। और ये बस कुछ होता है तो इंडिया की दुश्मनी सामने ले आकर रख देते हैं। बस जैसे कि पाकिस्तान की आवाम को बस यही चाहिए, इंडिया की दुश्मनी, और डर दिखाते हैं कि 1947 का जो डिवीज़न था वो इंडिया को पसंद नहीं है वो। अरे तुम चाहो भी हाथ जोड़ के, तो अगर किसी दिन मौका ऐसा आया कि पाकिस्तानी भागने लगे पाकिस्तान से, तो हम लोग बॉर्डर पे फौज खड़ी कर देंगे। एक पाकिस्तानी को हमको लेना ही नहीं है। पाकिस्तान को मिलाने की बात कर रहे हो? किस हमें कहूँ दुनिया में रहते हो? अगर तुमको इंडिया से इतनी दुश्मनी है, तो इंडिया वाले तुम्हारी पूजा नहीं करने आ रहे हैं? तो तुम अपने यहाँ रहो भाई, हम लोग अपने यहाँ खुश हैं। इतने बेशर्म लोग हैं, इनको साल उनको प्रूफ चाहिए। और जो है, और हर बात में इंडिया से दुश्मनी। कोई पाकिस्तानी इंडिया की कोई भी अचीवमेंट से खुश नहीं होता है। ये सब बकवास की बातें हैं। दो चार होंगे इंटेलेक्चुअल जो, लेकिन दिल से इन लोग को नफरत भरी गई है। इनको बचपन में एजुकेशन में शुरू से ही लेके इनको इंडिया की दुश्मनी, इनको जब इनके दिमाग में भर दिया गया है तो होगा क्या? मतलब हद हो गई भाई, इतना दुश्मनी तो कोई रखता ही नहीं है। और अच्छा मित्रों, देख रहे हो कि आप जो है अपना विक्रम रोवर कमाल दिखा रहा है, कहीं अगर पिट्स वगैरह हैं तो उसको भी इंटेलिजेंस से ढूंढ रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। और टेम्परेचर का तो आप लोगों ने सुना ही कि सरफेस पे टेम्परेचर 50 डिग्री और 8 इंच नीचे जो है वो जो है कितना, -10 डिग्री। बताइए कि मतलब कोई एक गड्ढा खनने लगे खोदे ना, जैसे 8 इंच का तो कोई भी आराम से, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी पता नहीं सॉयल में क्या है। वो कंडक्टर नहीं है हीट का लग रहा है वहाँ का सॉयल, इसलिए हीट नीचे जा नहीं पा रही है। कुछ तो कुछ होगा, ये अब बताएंगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलके क्या एक्चुअल क्या चीज़ है, क्या कंपोजिशन है वहाँ के सॉयल का। तो आप लोग आनंद लीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को फिर से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि सब्सक्राइब करें, और अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लग रहा है,
वो भी बताइए, मैं बाद में और भी टॉपिक लूँगा, लेकिन अभी तो इन पाकिस्तानियों का तो भर मुझे दिमाग में चढ़ जाता है, इन लोग किस बात की दुश्मनी रखते हैं, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब होता है। इन लोग बिना मतलब की दुश्मनी रखते हैं इंडिया से, इंडिया के कोई अचीवमेंट इनको बर्दाश्त ही नहीं होती है, उसी में जल के मर रहे हैं, सिर्फ जेलस है, सिर्फ जलन है, अपने कुछ करना नहीं, सिर्फ इंडिया से जलना है बस इनको। तो ये लाल टोपी को तो देख के इतना गुस्सा लगता है हमको, हमको क्या बताएं। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।